नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी हैं। अब इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का होगा एंड सिलेबस क्या है, वही सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर दीजिएगा। साथ में आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट्स क्या है, कौन कौन ये एग्जाम दे सकता है यानी कि एलिजिबिलिटी, और प्लस स्क्रीनिंग टेस्ट होता क्या है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियोज अपलोड की हुई हैं तो आप प्रीवियस वीडियोज में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मार्क्स कितने मार्क्स का ये पेपर होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो इस पेपर के टू पार्ट्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, ठीक है। 1.5 घंटे का पेपर होता है जो कि 80 मार्क्स का रहेगा, ये बात हो रही है पेपर ए की, ठीक है। पेपर बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसका बाद में देखते हैं, और फिर देखते हैं पहले जनरल पेपर जो है वो जो सबके लिए कॉमन रहता है उसमें यहाँ पे क्या क्या आपका आता है। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आपका रहेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए आपका रहता है बेसिक जीके का, ठीक है, जो 35% वेटेज जिसकी होती है और 28 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, सीरियल नंबर 1 से लेके 28 तक, ठीक है। यहाँ पे फैक्चुअल जनरल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस एंड जनरल साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, जो कि स्टैंडर्ड 6 और 8 की टेक्स्ट बुक्स रहेंगी, वहां से आपका सिलेबस रहेगा। तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक से तो पढ़ना ही है, साथ में आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको जो डेली बेसिस पे चीजें हो रही हैं यानी कि रेगुलर अपना न्यूज सुननी है, ठीक है, डेली जीके भी आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको न्यूज सुननी है, हेडलाइंस ही पता होनी चाहिए वो भी इनफ है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन है TOI की जो कि है इन शॉर्ट्स, इसको फोन में डाउनलोड कर लो, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी हेडलाइंस होती हैं वो बताती रहेगी, और साथ में उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी न्यूज समझ आ जाएगी, ठीक है, ये डाउनलोड कर लो। और एक न्यूज पेपर आप पढ़ते रहो, ठीक है, ऐसा कोई चैनल सब्सक्राइब कर लो जो डेली न्यूज़पेपर के मेन मेन जो चीजें हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हो, ठीक है। ऐसे काफी यूपीएससी के चैनल्स हैं, यूपीएससी बेस्ड, तो ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो या डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डेली 1 घंटा भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो वो इनफ है। साथ में दोस्तों मेंटल एबिलिटी जो है उसके बेसिस पे भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, जो कि होंगे 10%, 8 क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट वाले में 20%, 16 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और फिर है कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में 5%, 4 क्वेश्चंस यहाँ से लेंगे, ये इजी होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला, थोड़ा सा टाइम इन दोनों में आपका लगता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन बी, जो अगेन 35% वेटेज कवर करता है, 28 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 56 तक। यहाँ पे नेशनल लेवल का करंट अफेयर होता है, जो अगेन यहाँ से न्यूज़पेपर वगैरह वाले ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करे, वो यहाँ पे भी हेल्प करेगा और यहाँ पे भी, ठीक है, साथ में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए भी काम करेगा, ठीक है। तो 16 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से आएंगे 8 क्वेश्चन इंटरनेशनल वाले से। अब इंटरनेशनल लेवल इवेंट जिन्होंने इंडिया को इम्पैक्ट किया है, ठीक है, जैसे जो ट्रीटीज होते हैं या पीएम मोदी जहाँ पे आजकल विजिट कर रहे हैं, ठीक है, या लास्ट 3-4 मंथ्स में किया है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अब सेक्शन सी है यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज, ये थोड़ा इजी रहता है और यहाँ पे आप स्कोर अच्छा भी कर सकते हो। 30% वेटेज है, 24 क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 57 से लेके 80 तक। यहाँ पे आपका बीएड या टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 16 क्वेश्चंस। सीबीएसई रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड, जिसमें ईसीसीई और एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली, वो भी आपके रहेंगे,
ठीक है, तो ये आपका ए बी सी सेक्शन था और यहाँ पे आपका जो है 80 मार्क्स का पेपर इस तरीके से कंडक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर 1 का जो सिलेबस था वो एंड हो गया। क्लियर, आई होप यहाँ तक का आपको समझ आया होगा। अब पेपर 2 देखते हैं। पेपर मतलब पार्ट B है बेसिकली, ये पेपर B। अगर आप TGT लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो TGT लेवल में आपका सेक्शन, पहले मार्क्स देख लेते हैं। मार्क्स 120 मार्क्स का ये होगा, 2 घंटे आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन पे 1 मिनट। ठीक है, तो सेक्शन A है सबसे पहले, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज आपकी क्लास 6 से 10 तक कितनी है उसका सिलेबस रहेगा। 35% वेटेज, 42 क्वेश्चंस नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेट्स सपोज साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस की टेक्स्ट बुक आपको अच्छे से बिल्कुल पढ़नी है क्लास 6 से 10 की। ठीक है, मतलब आपको आपके सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद सब सेक्शन B है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज है बेस्ड ऑन क्लास 6 से 10 स्टैंडर्ड सिलेबस। ठीक है, मॉडरेट नॉलेज, यहाँ पे बेसिक नॉलेज है, यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे हायर नॉलेज आ जाती है। हायर नॉलेज में क्लास का सिलेबस भी आप देख सकते हो 11th 12th का है। ठीक है, जो कि टीचर अगर आप बेशक से 6 to 8 को पढ़ा रहे हो या 6 to 10th को पढ़ा रहे हो, लेकिन नॉलेज आपको 11th 12th की भी बेसिक होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए बेसिक और मॉडरेट लेवल है, बट यहाँ के लिए आपका सिलेबस एक ही है, वो है क्लास 6 से 10th की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है आपको NCERT की, जो आपकी सब्जेक्ट की है पर्टिकुलरली, जिस भी TGT सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, राइट। और ये सेक्शन C है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं, इसमें आपको मोटी मोटी जो नॉलेज होती है पर्टिकुलरली अपनी वो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज यहाँ से मैं नहीं बोलूंगी, और वो भी पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट की ही। ठीक है, देन सेक्शन D, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर लेवल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ये ग्रेजुएशन के सिलेबस से आता है, बट ये भी ईजी होता है, ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, अब पेपर B अगर आप PGT लेवल का दे रहे हो, तो अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेंगे और 120 मार्क्स का ही ये रहेगा और 2 घंटे का MCQ बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सेम है, बस क्लासेस चेंज हो रही है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 9th एंड 10th, मॉडरेट बेसिक दोनों में है ये। ठीक है, फिर सेक्शन C में सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज, ये ग्रेजुएशन पे पोस्ट ग्रेजुएशन पे बेस्ड आपकी है। ठीक है, इसमें भी नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड वो ही आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका सिलेबस है ये TGT के लिए। पहले तो देखो पेपर 1 या पेपर A बोल लो, ये कॉमन है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद जो पेपर B है ये 120 मार्क्स का है, राइट, और इसमें आपका TGT के लिए अलग है, PGT के लिए अलग है, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो स्पेसिफिक सिलेबस आपको पढ़ता है, राइट। चलिए यही सिलेबस डिस्कस करना था वीडियो के माध्यम से। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होना तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आर्मी पब्लिक स्कूल के स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड एंड आगे जो भी वैकेंसीज आएंगी उससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको चैनल पे मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।